उत्तर प्रदेश ब्यूरो क्रिसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आईएएस अमित मोहन प्रसाद के खिलाफ लोकायुक्त जो है अब जांच के आदेश दे चुके हैं और वही आईएएस प्रांजल यादव के खिलाफ लोकायुक्त अब जांच के आदेश उनके द्वारा दिए गए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में जांच करेगा लोकायुक्त। स्वास्थ्य विभाग में तैनाती के दौरान हुई थी अनियमितताएं, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। निर्माण कार्यों में अनियमितता की शिकायतें में जांच की जाएगी, लोकायुक्त ने प्राथमिक तौर पर आरोपों को सही पाया, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी से जुड़े इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आईएएस अमित मोहन प्रसाद के खिलाफ लोकायुक्त जांच के आदेश दे चुके हैं, वहीं प्रांजल यादव के खिलाफ भी लोकायुक्त जांच शुरू करेगा। भ्रष्टाचार के आरोप में जांच करेगा लोकायुक्त। उसके बाद आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग में तैनाती के दौरान अनियमितताएं की गई थी और वहीं निर्माण कार्यों में अनियमितता की शिकायत पर जांच की जाएगी, लोकायुक्त ने प्राथमिक तौर पर आरोपों को सही पाया गया, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से सामने आ रही है उत्तर प्रदेश ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब ब्यूरोक्रेसी ने एक आदेश जारी कर दिया, आईपीएस आईएएस अमित मोहन प्रसाद और प्रांजल यादव के खिलाफ आदेश है कि जांच अभियान अब शुरू होता हुआ दिखाई दिया। देखिए, ये जब बात की जाए तो अमित मोहन प्रसाद उस समय वो थे चिकित्सा आईएएस है, उस समय जो है अपर मुख्य सचिव चिकित्सा थे और साफ तौर पर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी जुड़ी ये खबर है जिसमें आईएएस अमित मोहन प्रसाद के खिलाफ लोकायुक्त जांच की गई है। साथ ही इसमें आईएएस प्रांजल यादव के खिलाफ भी लोकायुक्त जांच की, भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ये लोकायुक्त जांच हुई थी जिसमें स्वास्थ्य विभाग में तैनाती के दौरान अनियमितताएं पाई गई थी और उसी के चलते ये लोकायुक्त जांच की। निर्माण कार्यों में अनियमितता की शिकायत की जांच के चलते ये कहीं ना कहीं शिकायत हुई थी जिसके बाद लोकायुक्त ने प्राथमिक तौर पर आरोपों को सही पाया, जिसमें जांच करने पर सही पाया गया और ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो आईएएस है अमित मोहन प्रसाद, जो कि उस समय मौजूदा समय में उस चिकित्सा विभाग में थे, उस समय जो भवन निर्माण थे उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने अनियमितताएं बरती जिसके खिलाफ लोकायुक्त जांच की जा रही है, जिसमें आईएएस प्रांजल सिंह और अमित मोहन प्रसाद दोनों ही उसमें दोषी पाए गए हैं। जी जितेंद्र चौहान, आप हमारे साथ जुड़े हो, तमाम जानकारी अपने साझा करें, इसके लिए बहुत शुक्रिया।